कोई सॉन्ग नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बिल्कुल रॉ। क्या मार रहे हो आज? आना जरूर। बिल्कुल भैया, थैंक यू। बाकी भैया का नवंबर में कॉम्पिटिशन। तो कैसे हो आप सब लोग यार? होपफुली बढ़िया ही होगे यार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मैन ऑन ब्लॉग्स पे। तो उदयपुर वाली सीरीज को प्यार देने के लिए बहुत बढ़िया यार, बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। और अब जैसा कि प्रॉमिस करा था कि अब रुकेंगे नहीं, कंटेंट आता रहेगा, वीडियोस आती रहेंगी। तो अभी यार, अभी हम दिल्ली जा रहे थे तो पापा ने ऐसी सोचा कि गुरुजी से मिलने चल लेते हैं, क्योंकि पहले गए थे, बहुत टाइम हो गया उनसे मिले। उनकी गाइडेंस में ही मेरे को ट्रेनिंग अप करने का प्लान है मेरा, उन्हीं के अंडर रहना। मैं जिम का जो भी है आगे मेरे ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह में उन्हीं के अंडर चाह रहा हूँ। तो हमने फ़ोन करा था अभी गुरुजी को, मुकेश गहलोत जी। गुरुजी जो नहीं जानते यार, बहुत बड़ी बिग पर्सनैलिटी यार इस इंडस्ट्री की, बहुत चैम्पियंस इनके अंडर ट्रेन होते हैं। और अभी उन्हीं से मिलने जा रहे हैं हम, देखते हैं कैसी मुलाकात होती है और आपको मिलाएंगे। अभी तो दिल्ली के ट्रैफिक में धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। बाकी बने रहिएगा व्लॉग में, एंड तक जरूर देखिएगा। पहुंचने वाले हैं, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और बिल्कुल गूज बम्प से भी आ रहे हैं, क्योंकि यार जिनको उनकी वीडियोस वगैरह तो देखते ही रहता हूँ यार मैं रोज, पर आज उनसे लाइव मिलूंगा। मतलब मिल तो पहले भी रखा हूँ, उन्होंने मेरे को पहले देख रखा है, देखते हैं क्या बोलते हैं वो, कितने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन, कितनी चेंजेस आए हैं बॉडी में, मतलब आए हैं, पर देखते हैं वो क्या बोलते हैं। और बहुत भाई अच्छा सा लग रहा है, अंदर से पॉजिटिव वाइब आ रही है। वहाँ पे इतने बड़े बड़े चैंपियन से मिलने का मौका मिले, होपफुली। वैसे लेट हो गए हैं पर कोई नहीं यार, अब तो सबके साथ ही होता है वो, आई गेस। बिल्कुल जब लेट हो रहे होता है, लेट हो रहा होता है इंसान, तब ये ट्रैफिक मिलता है और सारा काम बिगाड़ता है। रेड लाइट है वैसे तो यार, पर बहुत टाइम हो गया, इतना पीछे से धीरे 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 गाड़ी चल रही है। तो यार पहुंच चुके हैं, गली के बाहर ही हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। बाकी देखते हैं गुरु जी मिलेंगे यार। ये वो जगह हीरा गुरु जी का जिम, जहाँ से चैम्पियंस आते हैं, देख सकते हैं अभी कितनी भीड़ है हर बार। ये राज वही देख सकते हैं यार, कोई सॉन्ग नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बिल्कुल रॉ, बिल्कुल रॉ जिम यार। और चैंपियंस यार वो रहे यार, हिमांशु शर्मा, जिनको फॉलो करता हूँ यार, मिलेंगे इनसे भी। और ये बैठे गुरु जी, अभी बात करेंगे। बिल्कुल गूज बम्स, देखो यार छोटा जिम और चैंपियंस ही चैंपियंस, गुरु जी के सारे मेडल्स। ग्रेट फैन भैया, ये आपके सारे वीडियो देखते हैं। फरीदाबाद से आए हैं बेटा। अच्छा अच्छा, फरीदाबाद से। हाँ, अब से यहीं गेमिंग चल रही है इसकी। मैंने शुरू में डाइट बना पाऊँ इसकी, पाँच से छः मील जो बनती है वो मैं अपने आप तैयार करता हूँ इसकी। और ट्रेनिंग में ये एक एक थोड़ा सा एडवांस करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, मतलब एक जब ये ट्रेनिंग को समझने लगा टाइमिंग कैसे होती है। बिगिनर ही कह सकते हैं, बिगिनर ही कह सकते हैं। अब आप देखो जो इसका जो है स्ट्रक्चर देख लो, आपको समझ में आएगा। वो गेनिंग है, बाकी इसमें मतलब ये फैट है अभी का, फैट परसेंटेज। तो मैंने इसको लिया था, धक्के खा रहे थे फरीदाबाद में, अभी हाई फील्ड में जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है। तो मैंने इसको कहा ना, तू एक जगह जा, तेरा एक ही जगह अपने आप को फोकस कर, चाहे तो हफ्ते में तीन दिन गुरु जी के पास आऊँ, बाकी वहाँ ट्रेनिंग करती हूँ। और मैं इसको अब धीरे धीरे चरम भी हफ्ते में तीन दिन में यहाँ जाऊँ, मेट्रो पकड़ के आ जा। बाकी भैया अभी इतना नहीं सोचा, अभी तो ये तो सुन लो कि वो तो बहुत दूर की बातें हैं अभी, कि भाई अभी तो कम्पीट करेगा, हारेगा भी, कुछ भी होगा, जो भी होगा वो सपोर्ट कर सकता हूँ, इसकी डाइट में हेल्प कर सकता हूँ और चीज़ों में हेल्प कर सकता हूँ। बाकी चलो भैया को ट्रेनिंग करने देते हैं और बहुत अच्छा लगा मिलके, जल्दी मिलेंगे। आया करिए भैया से, थैंक यू भाई। क्या मार रहे हो आज? अच्छा हाँ पता है, सारी देखता हूँ। अभी आपका सेकंड आया था पावर लिफ्टिंग में, सिल्वर आया था, वो रह गया था आपका पैर की, पता है मेरे को। और अभी एमेचर ओलंपिया का आप चल रही है आपके, हाँ पता, वो भी देखा था मैंने। सब देखते हैं,
तो यार मिल लिए गुरु जी से, काफ़ी देर बात हुई। गौरी अभिषेक यादव की मोम, अभिषेक भैया की, सब यार बड़े बड़े चैंपियन थे, छोटे जिम से निकले हैं यार। भाई यार जगह मैटर नहीं करती, आपकी मेहनत और डिसिप्लिन मैटर करती है, यहाँ के सीख मिलती है। सारे के सारे चैंपियंस, ग्रेट फैन भैया, कांग्रेचुलेशंस नए जिम के लिए, कल ओपनिंग है। अभी हम ज्वाइन करेंगे फरीदाबाद से, बिल्कुल सैटरडे से हम यही जिम गुरुजी के अंडर ही करना है। हाँ जी, हर वीक में दो तीन बार तो आना ही है, मतलब एक दो बार, बाकी कॉलेज हाँ दूर है, कॉलेज भी है, पर सोच लिया है कि आना है। बाकी आपकी वीडियोस देखते हैं, सारी देखते हैं, सब सब्सक्राइब कर रखा है। अच्छा जिम है, आपने दिखाया था ऊपर, बिल्कुल भैया, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। अभी क्या ट्रेनिंग? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके भैया। भाई अभी मिले पंकज भी, ऐसे इन्होंने पूरा डिस्कस करा, हमको बताया अपनी स्टोरी के बारे में, कैसे कैसे गुरुजी के पास आए, बहुत अच्छा लगा सुन के, मोटिवेशन आई। नहीं भाई, मैं अभी भी एक बात कहूँगा कि बस मेहनत। हाँ जी ठीक है, यहाँ पे जितने बंदे आते हैं आपको ये बोलने की ये करो, मैं बोल रहा हूँ बस मेहनत। आप यहाँ पे कितने साल से रेंट पे रह रहे हैं गुरुजी की, सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए? बताया भैया ने, दो साल से भैया घर नहीं गए हैं। चरखी दादरी के हो, मैं भी चरखी दादरी का ही गया हूँ। घर में भैया ने ये बोला है कि सीधा चैंपियन बन के ही घर जाएंगे और करेंगे, भैया का वो पसीना देखो बता रहा है, अंदर बिल्कुल हार्ड कोर ट्रेनिंग चल रही थी। तो भैया यार यहाँ पे कौन एक्सपेक्ट करेगा, ये छोटी सी गली और इतने बड़े बड़े चैंपियंस, सही बात है। तो यही यार मोटिवेशन यहीं से आती है यार, ग्लैमराइज वैमराइज म्यूजिक व्यूजिक सब अपनी जगह है, पर ट्रेनिंग और डिसिप्लिन एक अपनी जगह है। आपको जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होते हैं ना, हाँ जी, वो आपको पूरी इंडस्ट्री इसी टीम में मिलेगी। सही बात है भैया, बाकी बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, मैं कह रहा हूँ इसमें कैपेबिलिटी है, इसमें इसको इसने प्रूव करके दिखाया है, एक साल में ये प्रूव करके दिखाया कि जब इसने गेनिंग करी है 60 से 85 करा इसने, तो उस गेनिंग में मैंने देख लिया ऐसी कितनी कैपेबिलिटी है। एक कैपेबिलिटी ये कि रेगुलर ट्रेनिंग कर रहा है, ये डेडिकेशन नहीं छोड़ रहा, डेडिकेशन तो है। भैया दिखा रहे हैं अपना पूरी जर्नी, कैसे कैसे रही है यहाँ पे गुरु जी के पास, तो पूरी कमान जाए। इंजरी के बाद भी भैया कितने की डेडलिफ्ट मारी थी ये भाई देख लो, मैं 50, 120, 150, 160 यहाँ पर फंस भी गई थी डैडी, उससे पहले एक इंजरी उसके बाद आ गए थे, फ्रैक्चर हो गया होगा ना। हाँ, इस कंडीशन से मुझे अच्छी कंडीशन अच्छी है, तो वही बात है, मैं ये कहता हूँ कि बस मेहनत हो। मैं हमेशा जब भी कोई मेरे को मिलता ना, कभी मैं किसी को नहीं कहता तू ये खा ले, मेरे से कई बात पूछे भाई, इस तरह के लाइव आ जाते हैं तो मैं पूछे भैया कुछ डैड, वो डैड तुम्हें पता है क्या गलत है क्या सही है, सबको ठीक है। और मैं बस ये कहूँगा जो तुम्हें नहीं पता वो है मेहनत, वो तुम्हें नहीं पता कैसे करने हैं। कईयों को मतलब जैसा कि कहते हैं कोशिश करने में हार नहीं होती, अब कोशिश अगर सही डायरेक्शन में नहीं करो तो हार ही होनी है, हार ही होगी, सही बात है, ये बिग पॉइंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो कोशिश कर लग रहा हूँ 2 साल, तो 10 साल से लगा रहे हैं, तेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, एक्सपीरियंस मतलब कुछ है ना तेरे पास, तो कैसे करता रहता करता है, कुछ नहीं होगा, 0/0 है, कुछ नहीं होगा। जी हाँ गली, बस मैं तो ये कहूँ भाई यहाँ पे आओ या चीज घर पे करो, और जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे आके तैयारी करो, आप घर पे, अब गुरु जी पास बहुत सारे बच्चे, आप गुरु जी पूछ लेना, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग मोस्टली ऑनलाइन ही जाते हैं गुरु जी के पास। अच्छा, उनकी बढ़िया कंडीशन है, बढ़िया कंडीशन है। अब कई घर पे तो लापरवाही कर लेते हैं, गुरु जी क्या देखने लग रहे हैं, बाकी डेडिकेशन से कर लेते हैं वर्कआउट, फोन नंबर ले लिया है बाय, और कहते हैं ऑल द बेस्ट मिस्टर हरियाणा, और बिल्कुल आएंगे कॉम्पिटिशन में भी। तो यार अभी अभी जस्ट गाड़ी बैठे हैं यार, 1.5 घंटा आराम से मिले यार सबसे, यार गुरुजी मिले यार, उनके सामने ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाया, हिमांशु भैया से काफ़ी बात हुई, और बद्री भैया मिले, अभिषेक भैया की मम्मी मिली, पंकज भैया भी मिले यार, आपको जैसे दिखाया तो बिल्कुल यार जैसा कि देखा आपने, बिल्कुल छोटा जिम और चैंपियंस इतने बड़े बड़े यार, आप सर्च करना इन सब का नाम, मैं यूट्यूब पे नीचे डालूंगा अभी, कितने बड़े बड़े चैंपियंस यहाँ पे इतने छोटे 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 से जिम में आते हैं, और बिल्कुल रॉ जिम यार, कोई म्यूज़िक नहीं, कोई ग्लैमराइज नहीं, बिल्कुल लोहे के वेट। तो भाई बिल्कुल मज़ा मोटिवेशन से आ गई, हम भी आएंगे यार यहाँ पे, चाहे महीने में 2-3 दिन नहीं आना पड़े ट्रेनिंग करने के लिए, पर देखो अब कुछ अलग करना है तो सबसे तो डिसिप्लिन में तो रहना पड़ेगा और हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो बाकी लेट्स सी कैसी रहती है अपनी जर्नी, और कहाँ ये वाला क्या नाम है, ये द्वारका मोड़, तो द्वारका मोड़ के पास गुरुजी का जिम है, अगर आएंगे तो हम यहीं से मेट्रो से आना पड़ेगा अप डाउन। तो आ गए हैं भाई, अब कुछ खाने पीने, रात को 11 बज रहे हैं, डाइट भी ज़रूरी है यार,
सो पेट पूजा करते हैं यहाँ पे। तो आ गए यार दिल्ली, एक्चुअली दिल्ली में यार मेरे दादू रहते हैं तो उनको बिना बताए आ गए हैं। बाकी सो गए होंगे यार, उनका रिएक्शन देखते हैं, उनको जगाते हैं जाके। हाय कर दे पीपल को। हाय तो कर दे। तो भाई गुड मॉर्निंग यार, नेक्स्ट डे का स्टार्ट हो गया है। सुबह सुबह जिम आ गए उठ के, ये मेरे को ले आया ज़बरदस्ती। एनी टाइम का कार्ड तो मेरे पड़ा नहीं था, फरीदाबाद में रह गया, पर कैसे ना जैसे एंट्री हो गई। बाकी यार बाई ट्राई का वर्कआउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आपके जिम में भी आते होंगे ईगो लिफ्टर्स, उठ नहीं रहा पर उठाना जरूर है, बिना सपोर्ट के मार, ये देखो। और साल हो गया जिम करते करते, फिर भी नहीं मान रहा, साल हो गया। तो सेकंड एक्सरसाइज यार ये ले रहे हैं, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है जिसने मेरे ट्राइसेप को ग्रो करने में मदद करी है एक साल में। बाकी इसमें यार फेलियर तक कोशिश करो कि फेलियर तक जाओ, 8 से 12 ऐसे रेप वेप काउंट करा करो। मैं तो ये बोल, मेरा ये जो मानना यही है, और जो मेरे फादर भी बोलते हैं कि फेलियर तक काउंट करो इसमें, क्योंकि लग जाते हैं मशीन्स में रेपिटेशंस। यार हमारी 3 एक्सरसाइज हो गई है फिनिशर के लिए, ये ले रहे हैं डिप्स, थोड़े पैर आगे कर लेना। इसके भी यार 3 सेट मारेंगे मैक्सिमम रेप्स, फेलियर तक जाएंगे। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है ये भी। पहले अभी मैंने 50 रेप्स मारे, हालत खराब हो गई, अब इसकी बारी है। चल चल कर कर 32 हो गए, 33 34, लास्ट में आ जाते बिल्कुल मूवमेंट ख़त्म ही हो गई थी। यार बाइसेप की स्टार्टिंग कर रहे हैं रॉड से, इसमें भी यार ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी यार, बाइसेप बहुत छोटा मसल है, आराम से ट्रेन हो जाता है 10 किलो के अंदर अंदर में। लोग 20-20 लगा के बिल्कुल ही ईगो लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, वो सारा शोल्डर पे आ रहा होता है। दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम बाइसेप्स में हैमर कर्ल्स, इसमें भी 3 सेट मारेंगे यार फेलियर तक। ये क्या करता है भाई। भाई सब की लाश ले रहे हैं यार, ये प्रीचर लेना था पर वो खाली नहीं था, दो बंदे कर रहे थे वहाँ, फिर लेट भी हो रहे हैं। इसमें क्लोज ग्रिप पकड़ लिया। हुआ खत्म, भाई ने प्रोटीन पिला दिया है, कह रहा है वो धार है तेरे पे एक स्कूप, कोई नहीं यार ले लियो, रिकवरी भी जरूरी है, सुबह से खाली पेट ही आ गए थे भाई। कहाँ जा रहे हैं? चिकन खाने भाई। तू खिला रहा है? भाई दिल्ली आया हूँ, मेहमान हूँ। बाकी यार अभी डाइट वाइट है, जिम के बाद डाइट खाने, ग्रीन चिक, और इस वाले ब्लॉग को इधर ही एंड कर देते हैं। जाता अभी तो भाई इस वाले ब्लॉग को इधर एंड करते हैं यार, होपफुली आपको अच्छा लगा हो, गुरुजी से मिले थोड़ा बहुत, अपना ट्रेनिंग दिखा दी, और बाकी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना यार, बोल भी जरूर करना भाई। हाँ भाई लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ओके मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। ओके बाय।